यूपी की फिजा में इस वक्त ये वायरल वीडियो माहौल खराब कर सकता है। वीडियो में आपको तीन फकीर दिख रहे हैं। इन तीनों से अभद्रता की गई, कान पकड़वाकर उठक बैठक लगवाई गई, जबरन जय श्री राम बुलवाया गया, आधार कार्ड मांगा गया, नाम पूछे गए। गलती ना होई अब ना होई भैया, चलो तुम्हारा पंडित के गांव कहूं ना जाब देगी ना भाई, मरते ना ना चलो कहूं ना जाब कहूं ना जाब चलो खरगोपुर डिंगू ना कब्बो ना आई भाई कब्बो ना आई का कहले खरगोपुर डिंगू ना कान बगल खरगोपुर बैठक मार कब्बो ना बैठक मार बैठक मार तू मार बैठक बोलो जय श्री राम जय श्री राम फिर से बोल जय श्री राम जय श्री राम और बोलो जय श्री राम जोरस बोलो जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जोरस बोलो जय श्री राम तू बोल हाथ उठा बोल। गोंडा में तीन फकीरों के साथ ये सब कुछ हुआ, जहां जबरन जय श्री राम बुलवाया गया। गोंडा के खरगुपुर के डिगुर गांव का वीडियो है, जहां सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। तीन फकीर जब डिगुर गांव जाते हैं तो तीनों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। एक लड़का तीनों के कान पकड़वाता है, उठक बैठक लगवाता है और जबरन जय श्री राम बुलवाता है। मामले पर पुलिस ने संज्ञान लिया है और पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार भी कर लिया है। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें तीन व्यक्ति जो फकीर की वेशभूषा में है और इनके साथ एक व्यक्ति द्वारा अभद्र व्यवहार किया जा रहा है। जब संपूर्ण घटनाक्रम की जांच की गई तो यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये तीन व्यक्ति खरगुपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा खरगुपुर डिंगुर में ये गए थे। वहाँ के कुछ स्थानीय लोगों द्वारा इनके बारे में पूछताछ की गई, इनके नाम पता जानने की कोशिश की गई, तो इस पर इनके द्वारा कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया गया। इस पर एक व्यक्ति द्वारा इनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया। इस सूचना पर थाना खरगुपुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एक व्यक्ति की गिरफ्तारी की गई है और इस तथ्य की भी जांच की जा रही है कि ये तीन व्यक्ति कौन लोग थे और किस कारण से उस गांव सभा में गए थे।